आप खुद देखिए, हमें बताइए, कमेंट कीजिए कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अमृतसरी पिंडी छोले के लिए यहाँ मैंने काबुली चना लिया है 250 ग्राम। इसको मैंने रात भर भिगो लिया था। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर देंगे और इसके बाद इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ कुकर में मैंने 3 कप बड़े कप पानी डाले हैं। अब मैं ये चने इसके अंदर डाल दूंगी सारे। तो यहाँ मैं बॉईल करते टाइम 1 चम्मच नमक डालूंगी। यहाँ मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी यहाँ मैं दालचीनी डालूंगी, 4 यहाँ मैं लौंग डालूंगी। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून सोडा डालूंगी, इससे सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे ये। तो यहाँ मैं कुछ सूखे आंवले डालूंगी, इसके लिए कलर अच्छा आता है। अब इसे हम विसल लगा लेंगे 3-4। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पिंडी छोले बॉयल हो चुके हैं अच्छे से और ये गल भी चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका हम पानी अलग करेंगे और छोले अलग करेंगे और जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे एक अरोमा के लिए, इसकी फ्रेग्रेंस के लिए, वो भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ हम पहले सूखा मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ मैं 1 चम्मच नमक लूंगी। पहले हम नमक डाल चुके हैं इसलिए हमने थोड़ा सा ही और डाला है। 1 चम्मच यहाँ लूंगी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ मैं मिर्च लूंगी, 1 टीस्पून यहाँ मैं आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ मैं चना मसाला डालूंगी, थोड़ी सी यहाँ मैं सूखी कसूरी मेथी डालूंगी क्रश करके। अब इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये सूखा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब मैं इसमें 3 बे लीफ डालूंगी और मैंने ये 2 मीडियम साइज के प्याज की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दूंगी। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी साथ साथ पकाना है। आप चाहें तो बाजार का भी अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ इसका कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब यहाँ मैं टमाटर की प्यूरी ऐड करूँगी, ये मैंने 3 टमाटर ऐड करे हैं। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है टमाटर को 4 से 5 मिनट तक। अब इसमें हमने जो सूखा मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मसाला अच्छे से पक रहा है, अब इस हमें थोड़े से चने लेके इसमें कूट लेना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ चुका है, खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम छोले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ छोले मसल लिए थे गिलास में अच्छे से, क्योंकि पिंडी छोले जो होते हैं वो गाढ़े होते हैं, उनका टेस्ट ही अलग होता है। अब बाकी छोले इसमें हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब सब छोलों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने इसका पानी अलग किया था छोलों का, वो हमें इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तब तक हमें इसको अच्छे से मसल लेना है छोलों को इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया, बहुत ईजी है रेसिपी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसका अब छोटा सा तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए 1 चम्मच के करीब बटर लिया है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की चॉप कर ली थी वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने ग्रीन चिली कुछ लंबाई में कट कर ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ मैं क्यूमिन पाउडर ऐड कर दूंगी, जीरा मसाला, और थोड़ी सी यहाँ मैं कश्मीरी मिर्च लूंगी। तो यहाँ हमने बाउल में ट्रांसफर कर लिए थे छोले, अब इसके ऊपर हम गर्मा गर्म तड़का डालेंगे। तो ये गर्मा गर्म हमारे पिंडी छोले रेडी हैं। यहाँ मैंने इसको कुलचे के साथ सर्व करा है और साथ में कुछ सैलेड है। आप चाहें तो चावल के साथ या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो हमें प्लीज कमेंट जरूर करें कैसे लगे। बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तुसी करदे रहियो जी।